अभी यहाँ पर जो है ना अपनी स्कूल जाने वाली है, तो इसको मैं तैयार करती हूँ, मोजे वगैरह वगैरह बनाए, शूज वगैरह बना रही हूँ। और चोटी जो है सर, मैंने बोला है 2-3 बार, बेटा चोटी मत बनाया करो मम्मी, एक तो बना के जा सकती हूँ, मेरे बाल बड़े हो जाए, बस इसलिए बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और ये शूज इसको पहना दूँगी मैं, और उसके फीते वगैरह बांधूँगी, मैंने धोए थे तो एकदम नए से लग रहे हैं। एक पॉलिश की डिब्बी ला के रखनी पड़ेगी, उसके ब्लैक कलर के जूतों पर स्कूल में जाती है, जब कर दिया करूँगी। और अभी जो है इसकी बाकी की बुक्स सारी मैंने यहाँ अलमारी में लगा दी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो पहला एग्ज़ाम है आज, अब इनका एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है। इसका बैग मैंने रिता दिया, क्योंकि मुझे इसका बैग जो है ना धोना है, गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। बोल तो रही थी कि मम्मी पैड इसमें ही डाल के ले जाऊँगी मैं, जो पेपर के लिए हमारे टाइम में दफ्ती बोलते थे, इनके टाइम में पैड बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप उनको पॉलीथीन में डाल के लेके जाओ, उसको मैं साफ़ कर दूँगी, बैग को गंदा हो रहा है, क्योंकि अब छुट्टी चल रही है, अब तो साफ़ हो जाएगा। छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी फिर नहीं धुल पाएगा। हेलो, चप्पल उल्टी पहन ली, ये वाली इसमें पहनी थी, ये वाली इसमें। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। पन्नों के मैंने चेंज कर लिए, छोटे छोटे डाल लिए अब जा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है मुझे काटनी है सब्जी, आज हम खाने में बनाएंगे लौकी, ये मूली ले रही हूँ मैं, और ये गाजर टमाटर ले रही हूँ, इनका भी कुछ करूँगी ना। तो चलिए फिर करते हैं अपना काम कंटिन्यू, थोड़ी देर ठंड लग रही है, धूप में बैठने का इरादा है। ये सब्ज़ी काट लूँ, मैं सोच रही हूँ कि आ जाना अचार बनाती हूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले सब्ज़ी काटनी पड़ेगी बैठ के, बाहर बैठती हूँ, थोड़ा ठंड लग रही है, सर में दर्द सब रहा है। गैस पर रख दी है कढ़ाई, इसमें तेल डाल दिया है, तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि हमारा है ना ख़त्म हो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल में ले रही हूँ, वरना जिस चीज़ को मैं बना रही हूँ उसमें काफ़ी सारा ऑयल लगता है। पर थोड़े में ही काम कर लेंगे, आज बिल्कुल अलग तरीके से अचार बना रही हूँ। ऑयल में मैंने गाजर और मूली दोनों चीज़ें डाल दी हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़ा सा तेल और होता तो ये अच्छे से फ्राई हो जाते, पर कोई नहीं, मैं इसमें ढककर ही कर लूँगी इसको, मतलब जो है प्लेट ढक दूँगी, जिससे इससे भाप बन जाए। तो अभी इनको अच्छे से तेल में मिक्स कर लेते हैं, बाकी जो है नॉर्मल मसाले मैं इसमें डाल लूँगी। सौंफ धनिया वगैरह भी डाल देते हैं हम बहुत सारे लोग अचार में, वो मैं नहीं डाल रही हूँ, बस धनिया धनिया डाल लूँगी, हल्दी डालूँगी आधी चम्मच, मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, सादी मिर्च, थोड़ी सी कलर वाली मिर्च और धनिया, यही करके नॉर्मल मसाले डालकर मैं ये अचार तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको ज़्यादा नहीं गलाना, थोड़ा सा कचकचा रखना है। तो जब हम नमक की रोटी के साथ में या फिर सब्जी के साथ में ये अचार लेके खाते हैं, इसका टेस्ट एकदम अलग ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अभी यहाँ पर अभी इसको मैंने फिर से चला दिया, अभी इधर मैंने टमाटर काट के रखा हुआ है, लौकी काट के रखा हुआ है, आज हम खाने बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। मसालेदानी में मसाले रेडी है, इस वाले भगोने में मैं लौकी छोंकूंगी, क्योंकि कढ़ाई में मैंने अचार छोंक दिया, मेरे पास में ज़्यादा भगोने पतीली नहीं है कि मैं किसी और में छोंक सकूं, तो मैंने सोचा चलो इसमें ही कर लेते हैं। टमाटरों में मैंने है ना कलर वाली मिर्च डाल दिया, एक छोटी चम्मच धनिया डाल दिया, आधी चम्मच हल्दी, सॉरी एक चम्मच हल्दी डाल दी है, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, इतना सा ही नमक काफ़ी होगा, थोड़ी सी तीखी मिर्चें और कलर वाली डाल दिए, हींग जो है वो जीरे के साथ में डाल देंगे। अभी ऑयल जो है ना हमारा गर्म हो चुका है, ज़्यादातर सब्ज़ी मैं जीरे में बनाती हूँ, जीरा मैंने इसमें डाल दिया, ये देखो हमारा जीरा चटकना शुरू हो गया है, इसमें हम अभी डाल देंगे टमाटर। देखो इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर काला हो जाता है, थोड़ा हल्का हल्का रेड होते ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, टमाटरों को अच्छे से मिला लेते हैं, मसाले इसमें डाल रखे हैं, एक घूंट पानी मुझे इसमें डालना पड़ेगा जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। और मैंने देखा इस भगोने में एक बात हो रहा है, अगर हम कोई सूखी सब्ज़ी बनाए तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाप बहुत अच्छे से बनाता है ये। और अभी इसको मैंने ढक देना है, इधर अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और अभी मैं लौकी की सब्ज़ी जो है ना बनने लग रही है, गैस धीमी करके आ गई। बाहर में सुबह से चौकी पे जैसे काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो मिट्टी लग जाती है बहुत ज़्यादा, और कुछ मिट्टी जो है ना जम गई है पीछे बाल्टी में, यहाँ पे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं जिन पे मुझे ब्रश लगाना है, ब्रश मारना है मतलब, तो उनको धोने के लिए मुझे पहले पूरी चौकी साफ़ करनी पड़ेगी, तभी उसके बाद जो है मैं कपड़ों पे ब्रश लगा पाऊँगी, क्योंकि मिट्टी जम रही है, पाँव से आते जाते रहते हैं, फिरते हैं घूमते हैं, तो थोड़ा हो जाता है। पूरी चौकी जो है ना साफ़ करनी है अभी मुझे। और उधर लौकी बन रही है, अचार बन गया, बस रोटी रोटी बनानी रह गई है, अब नहीं आ जाएगी तभी बनाऊंगी। मेरा मन नहीं करता अकेली का रोटी खाने के लिए, क्योंकि देखो मेरे बच्चे साथ में होते हैं तो तभी खाई जाती है, अकेली तो मैं
चाहे कितनी भी देर लगे बेटी को आने में, उसका वेट ही करती रहती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे ही तो हैं मेरे पास में, और कौन है। और तो कायरे बाबू भी रोज़ बोलते हैं मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो अभी थोड़ा एडमिशन कराना ज़रूरी है, उसके बाद ही। वैसे एक दीदी ने कमेंट किया कि आप उसको पढ़ाओ अपने आप ही कुछ टाइम, अभी फ़ीस वगैरह भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। दीदी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी पढ़ा रही हूँ, और फिर भी मैडम बोल रही है कि हम एक साल कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेंगे, आप उसको कभी भेज दिया कभी नहीं, ऐसे ही रहेगा भी छोटा है, या फिर गाड़ी का चार्ज नहीं लेंगे, आप उसको भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, वह स्कूल में बैठेगा बच्चों में तभी तो उसे आदत बनेगी। चलो देखते हैं जैसे भी ठीक रहेगा, बात करी थी मैंने मैडम से। और अभी जो है मेरा जो सूट सिल दिया दीदी ने, साड़ी का बनाएंगे, उसमें गुंजास नहीं है, साड़ी इस तरह से डली हुई थी, इसमें थोड़ी सी भी गुंजास नहीं है साइड में की सिलाई मारने की, हल्की हल्की सी गुंजास है। दीदी कह रही है अगले वाली उधेड़ दे, सूट पिछले वाली सिलाई उधेड़ दे, अगली छोड़ दे, तो देख थोड़ा बहुत फिटिंग का हो जाएगा, टाइट आ रहा था, देखिए जैसा बनेगा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। मैं मंडी की दीदी लग गई कि लाओ मैं बना देती हूँ, तो काम कर ले मुझे भाई, देखो काम में लग रही थी मैं, उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं सिलाई उधाड़ रही थी और उनसे बैठी हुई बात कर रही थी। तो देखो जब कोई आ जाता है थोड़ा मन लग जाता है, अकेली सी रहती हूँ मैं भी दिन भर, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो, कायरो चौधरी वाले पे वीडियो, और ये ज्योति विलोगर वाले पे वीडियो बना के पूरा दिन अपना टाइम निकालती हूँ। फ्री रहती हूँ तो बच्चा रहता है उसको पढ़ा लेती हूँ, कभी कभी होता है कि मूड अपसेट होता है तो अपने फ़ोन में लग जाती हूँ, थोड़ा सा एक दो इंस्टाग्राम पर आप सब में से किसी की भी कॉल आ जाती है, बात कर लेती हूँ, अच्छा लगता है जो कोई मुझे बात करता है इंस्टाग्राम पर, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी फिर मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। बर्तन साफ करने के बाद जो है अभी यहाँ पर कुछ क्लिप्स सॉरी नहा चुकी हूँ मैं, और अभी मैं कर रही हूँ पूजा, जी हाँ सुबह की पूजा कर रही हूँ, नहा के अवनी को भेजवाज के अपना काम ख़त्म करके, ये चाय की पत्ती जो है ख़त्म हो रही थी, चाय की पत्ती का पैकेट खोल के डब्बे में डाल रही हूँ, और आधी चाय की पत्ती मैं इसमें करूँगी, आधे से भी कम, क्योंकि मुझे है ना फिर चीज़ों का पता चल जाता है कि अभी कितनी चीज़ घर में रह गई है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। अभी थोड़ी मैंने रख ली तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी इतनी है, और जब पैकेट की ख़त्म हो जाएगी तो मतलब डब्बे में डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय की पत्ती ले आऊँगी कि अब नहीं है, इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है चीज़ों का। और यहाँ पर अभी जो है ना आज थोड़ा सा यहाँ घर की साफ़ सफाई करने का इरादा है, क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं, और बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का, जहाँ से कूड़ी उठी है उसके आसपास इतनी बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा इतना गंद मची पड़ी है। मैं नहा ली थी तो दीदी घर का जो है ना उन्होंने वो लगा रखा है, नौकर लगा रखा है, तो वो उन्होंने अब भेजा है, मैंने कहा आपने इतनी देर से भेजा, मैं नहा ली हूँ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं इसको तसले भर भर दे दिए डाल देगा, मैंने कहा चलो करूँगी जैसे भी होगा, पूजा पाठ कर ली थी, फिर पूजा पाठ को लेट हो जाता, सुबह से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी, पर वो अब आया, फिर मैंने मुँह माँ बांध के कूड़ा पाड़ना शुरू करा, भर भर के तसले उसको देना है, और जो भरा जाएगा आप लोगों को शब्द दिखाया जाएगा कितनी गंद यहाँ से निकालने वाली है। कोई आ रहा सब्जी लाऊं, मिठा कद्दू भी ले रहे, क्या भाव दे रहे, 40 रुपये किलो, अब तेरे राम, हाँ 10 की कर दो बस। बीच में अभी मैं सब्जी लेने के लिए रुक गई थी, और यहाँ पर अवनी मेरी क्लिप शूट कर रही थी, अपने पढ़ाई भी कर रही थी, ट्राईपोड जब से टूटा है तो बहुत दिक्कत पड़ती है, इधर उधर फ़ोन सेट करना पड़ता है, करने को तो मैं उधर बुग्गी की साइड में भी लगा के कर सकती थी काम, पर सारे में धूल बैठ जाती, मैंने कहा बेटा 1 मिनट के लिए रुक जाओ बना दो और फिर तुम रीडिंग कर लेना, तो इतना बुरा हाल घर में हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल इधर के हिस्से में, तो ये सारा साफ़ करने में बहुत टाइम लग रहा था, मैं 11:15 बजे की लगी हुई थी,
और अभी है ना 2 बजने वाले हैं, इतना बुरा हाल हो गया। बीच में खाना भी बनाना होता है बच्चों के लिए, खाना भी बनाया। आप देख रहे हो दीवार के चारों साइड मतलब पीछे की तरफ इतनी बुरी स्थिति है, घास कूड़ा पन्नी सन्नी इतना गंद मची पड़ी है, यहाँ तक कि पता नहीं कितनी चीज़ें पड़ी हैं। यही तो हो जाता है। हो गया, चलो याद। सेवन का उतारो, उतार दे, उतार दो। मारना दिया, लड़ने का बता।